तो गाइस आज की वीडियो में आप सभी को बताऊंगा जीएसटी आर वन फाइल करने के लिए जो ऑफलाइन यूटिलिटी जीएसटी डिपार्टमेंट ने हमें दे रखा है उसे कैसे डाउनलोड करा जाता है। तो वो डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको आ जाना है जीएसटी पोर्टल पे, जो कि जीएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट है gst.gov.in। यहाँ पे आ जाने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको फोर्थ ऑप्शन अवेलेबल करवाया गया है डाउनलोड स्टेप का। डाउनलोड स्टेप पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो है ऑफलाइन टूल्स पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको डिफरेंट 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 पर्पस के लिए टूल्स अवेलेबल करवाए गए हैं। अगर आप जीएसटी आर 9 ऑफलाइन यूटिलिटी के थ्रू डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर फाइल करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये टूल अवेलेबल है। 9C करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये टूल अवेलेबल है। 9 तब फाइल करी जाती है जो आपकी टर्नओवर 2 करोड़ के ऊपर चली जाती है, और 9C आपकी 5 करोड़ के ऊपर टर्नओवर चली जाती है पूरे साल की, तो आपको फाइल करनी होती है। ओके गाइस, बाकी आप जीएसटी आर 3 भी ऑफलाइन फाइल करना चाहते हैं यूटिलिटी के थ्रू, यहाँ से आप क्लिक करके टूल डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से आप जेसन जनरेट करने के बाद फाइल कर सकते हैं। लेकिन बात रही, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था जीएसटी आर 1 के लिए ऑफलाइन यूटिलिटी टूल कैसे डाउनलोड करा जाता है, तो यहाँ पे जीएसटी आर 1 कहीं नहीं लिखा हुआ। लेकिन दोस्तों आप हमारे व्यूअर्स हैं, खास व्यूअर्स, मैं बताना चाहूंगा ये रिटर्न ऑफलाइन टूल आप देख सकते हैं, ये देख रहे हैं ध्यान से, इस पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो ये टूल जो डाउनलोड होगा ये आपका जीएसटी आर 1 टूल डाउनलोड रहेगा। यहाँ पे आप इसको क्लिक करके ले जा सकते हैं अपने फोल्डर में, ठीक है। इसके जिप फोल्डर में जो है डाउनलोड, अभी डाउनलोड नहीं हुआ है, डाउनलोड प्रोसेसिंग में है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर टूल डाउनलोड हो गया है, यहाँ पे आप इस फाइल को एक्सट्रैक्ट करके इस टूल का यूज कर सकते हैं, या फिर इसको कट करके आप किसी अलग फोल्डर में जाके इसको जो है पेस्ट कर सकते हैं और वहां पे आप इसको जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं गाइस। ओके, जैसे कि मैंने न्यू फोल्डर ओपन कर लिया है, मैंने यहाँ पे जो है इसको फाइल को पेस्ट कर दिया है, अब ये पेस्ट हो रहा है यहाँ पे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइल पेस्ट हो चुकी है, यहाँ पे आप राइट क्लिक करके इसको एक्स्ट्रैक्ट ऑल पे क्लिक करके इसको एक्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पास आपका वो सेम यहाँ पे आ जाएगा और फाइल आपकी देख रहे हैं जिसकी एक्स्ट्रैक्ट होने लग गई है, और ये मिनिमम कुछ ही सेकंड में फाइल एक्स्ट्रैक्ट हो गई है। यहाँ पे एक नई फोल्डर क्रिएट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको एक टेम्पलेट प्रोवाइड करवाई गई है। इस टेम्पलेट के अंदर आप जो है डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट वर्कशीट्स में अलग अलग डेटा पुट ऑन करके आप एक फाइल में क्रिएट कर सकते हैं, और इस टेम्पलेट को आपको जो है इस ऑफलाइन टूल के अंदर अपलोड करना होता है, और यहाँ पे अपलोड करने के बाद आपका एक जीएसएन क्रिएट होता है। मैं आपको अपलोड करना सिखा दूंगा, अभी बता दूंगा कैसे आपको डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में जो है आपको फाइल अपलोड करनी है या फिर डेटा फीड करना है। जैसे आप देख सकते हैं ये रीड थ्रू के लिए है कि आप इसमें रीड करके इसमें क्या क्या अवेलेबल दे रखा है यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, ए-टू-ज़ेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले आपको बताऊंगा, अगर आपका कोई B2B सेल है तो उन्होंने एग्जाम्पल के लिए दे रखा है, तो B2B सेल के लिए अगर आप डेटा अपलोड करना चाहते हैं जीएसटी पोर्टल पर डायरेक्टली, अगर आपके 5-6 बिल्स हैं गाइस, तो मैं कहूंगा कि आप जो है मैनुअली उस फील्ड्स को फीड कर लें। ओके, आप उसको जो है मैनुअली फीड कर लें ताकि आपको जो है इजीली आपकी फाइल हो जाए। और इसमें क्या कभी कभार एरर्स भी क्रिएट होते हैं, लेकिन आपने बिल्कुल सही तरीके से फाइल करा होगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सही तरीके से आपने डेटा फीड करा होगा, तो आपकी फाइल जो है इजिली जनरेट हो जाएगी, जीएसएन जनरेट हो जाएगी, और उसको जीएसटी पोर्टल पर आप ऑफलाइन प्रिपेयर करके आप उसको अपलोड करके डेटा को डायरेक्टली वहाँ पे फीड करवा सकते हैं और इजिली फाइल कर सकते हैं कम समय में। तो इसके अंदर ए-टू-ज़ेड इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे पार्टी का जीएसटी नंबर रहेगा, रिसीवर नेम आएगा, इनवॉइस नंबर कब आपने उनको रेस किया, ठीक है, यहाँ डेट आ जाएगी यहाँ पे आपकी, और यहाँ पे वैल्यू आएगी प्लेस ऑफ सप्लाई, और यहाँ पे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है यस नो, रेट क्या एप्लीकेबल लगाया आपने, B2B है या सेल्स को आपने सप्लाई किया है या अनदर, आपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, या रेगुलर में पेमेंट हो रखी है, रजिस्टर्ड है पार्टी, रेट आपने टैक्स रेट क्या लगाया है, टैक्सेबल वैल्यू क्या है, और अगर कोई सेस का अमाउंट है तो यहाँ पे सेस, अदरवाइज 0 आएगा। ओके, और यहाँ पर टोटल टैक्सेबल वैल्यू आपकी यहाँ पे आ जाएगी। ओके, बाकी बिल आप अमेंड करना चाहते हैं तो अमेंडमेंट की इन्फॉर्मेशन यहाँ डालनी है आपको, ठीक है, किस इन्फो। ओके, ये आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे जीएसटी नंबर अवेलेबल है, नेम आ जाएगा, इनवॉइस नंबर, डेट, डिवाइस इनवॉइस नंबर क्या है उसका, डिवाइस इनवॉइस डेट क्या है, इनवॉइस वैल्यू क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है यस नो, तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग आप रीड करके यहाँ पे डेटा फीड कर सकते हैं। B2CL, अगर आप B2CL का डेटा है तो यहाँ पे रखेंगे B2CL, बिजनेस टू कस्टमर लार्ज, जो कि 2.5 लाख के अब आपके बिल होते हैं जो कस्टमर को आप क्रिएट करते हैं, उसमें अमेंडमेंट है तो यहाँ पे फीड कर देंगे। B2CS, जो 2.5 लाख के नीचे के बिल्स होते हैं और डिफरेंट स्टेट में आप सप्लाई करते हैं तो यहाँ पे B2CS के अंदर आएगा, इसमें कोई अमेंडमेंट है तो यहाँ पे आप रिफ्लेक्ट करवा देंगे। और ये कोई क्रेडिट नोट इशू कर, आपने माल सेल किया था उसका रिवर्स आ गया आपके पास, तो आप पार्टी को क्रेडिट नोट इशू करते हैं, उसकी भी अमाउंट जो है उसका भी हमें गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना होता है, तो क्रेडिट नोट की जो डिटेल्स होती है वो इस टैब के अंदर आ जाती है। जीएसटी नंबर, नेम आ जाएगा, नोट नंबर क्या है, डेट क्या है, नोट टाइप क्या है, क्रेडिट नोट है या डेबिट नोट है, यहाँ पर दो तरीके से नोट इशू करे जाते हैं, क्रेडिट नोट या डेबिट नोट, ठीक है। डेबिट नोट एडजस्टमेंट के लिए यूज करा जाता है, अगर आपने कोई डेबिट नोट किसी पार्टी को एडजस्टमेंट करने के लिए आपस में लेजर्स के, तो यहाँ पे आप उसको रेज करते हैं तो यहाँ पे आप डेबिट नोट जो है दिखा सकते हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है या नहीं, ठीक है, नोट सप्लाई टाइप क्या है, नोट वैल्यू क्या है आपकी, रेट क्या है, ठीक है, टैक्स रेट यहाँ पे आएगा, ये एप्लीकेबल परसेंट ऑफ टैक्स रेट, इसको आप 0 कर सकते हैं हमेशा के लिए अगर आपको एप्लीकेबल नहीं है, तो टैक्सेबल वैल्यू आपकी यहाँ पे आ जाएगी, इसमें कोई अमेंडमेंट कराए क्रेडिट नोट में तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है।
बाकी अनदर ऐसे आपके डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं इसके अकॉर्डिंग। आप जिस भी टैब में आपने कुछ एक्सपोर्ट किया है तो एक्सपोर्ट की डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी गाइज, ठीक है। एक्सपोर्ट में कुछ अमेंडमेंट है तो यहाँ पे आ जाएगा। तो वैसे ही आपके डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस हैं, आप अपने नेट के अकॉर्डिंग आपने जिसमें सप्लाई किया है यहाँ पे डिटेल फीड कर सकते हैं गाइज। ओके, बाकी मैं आपको दूंगा, आपने एडवांस में आपके पास पेमेंट आ रखी है, ठीक है, एडवांस में आपने जो है सेल कर दी है और आपने जो है वो अमाउंट जो है गवर्नमेंट को पे नहीं करा है, बिल रेज नहीं करा है, तो एडवांस में भी आप टैक्स सबमिट करवा सकते हैं इसके जरिए। ओके, तो यहाँ पे एडवांस आप जो है दिखा सकते हैं। बाकी मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे आपकी एडवांस एडजस्ट करा जाता है कि एडवांस कहाँ पे आपको एडजस्ट करना है, ठीक है। और बाकी आपके अमेंडमेंट के रिगार्डिंग अमेंडमेंट हो रखी है एडवांस में, तो यहाँ पे अमेंडमेंट आप कर सकते हैं। बाकी मैं आपको बताना चाहूँगा नील रेट सप्लाई है आपकी, तो 8 टेबल के अंदर जाती है। इंटरेस्ट रेट सप्लाई करिए आपने रजिस्टर्ड पर्सन को, तो यहाँ पे इंटरेस्ट सेम स्टेट में रजिस्टर्ड को नील रेट सप्लाई करिए तो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। इंटर आए तो यहाँ पे और सेम आपका ये रहेगा, इंटर इंटर अनरजिस्टर्ड और इंटर इंटर रजिस्टर्ड पर्सन को। रजिस्टर्ड जो जीएसटी के अंदर जिनके रजिस्ट्रेशन ले रखा है वो रजिस्टर्ड पार्टी कराती है, और अनरजिस्टर्ड वो आ जाते हैं आपके जो कि जिन्होंने जीएसटी नंबर नहीं ले रखा है। ओके, तो यहाँ पे आपका एक्सेशन समरी यहाँ पे मैंडेटरी होता है फीड करना, अदरवाइज आपको पेनल्टी भी लग सकती है। तो यहाँ पे आप एक्सेशन समरी शो कर दें, एक्सेशन नंबर क्या है, यूकेसी कोड क्या है, टोटल क्वांटिटी आपने उस एक्सेशन कितनी सप्लाई करी है पर्टिकुलर मंथ में, टोटल वैल्यू कितनी आ रही है। ओके, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सेशन यूकेसी क्या है, ड्रम में है, बैग में है, पीसीस में है, बोटल्स में है, क्वांटिटी यहाँ पे आ जाएगी आपकी, टोटल वैल्यू वो आपकी टोटल वैल्यू क्या है जीएसटी के साथ यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। रेट क्या लगाया आपने उस एक्सेशन पे, तो ये रेट वाइज होते हैं एक्सेशन, सेम रेट सेम एक्सेशन डिफरेंट रेट में भी हो सकते हैं गाइस। टैक्स वैल्यू आपको यहाँ पे आ जाएगा, आईजीएसटी लगाया है तो यहाँ पे, सीजीएसटी लगाया है तो यहाँ पे जाएगा, एसजीएसटी अमाउंट आया हुआ है आपका तो यहाँ पे आप फीड कर देंगे। कोई सेस का अमाउंट है तो सेस का अमाउंट यहाँ पे रख देंगे। इसके साथ आपकी एक डॉक्यूमेंट समरी होती है कि आपने किस डॉक्यूमेंट नंबर से लेकर किस डॉक्यूमेंट तक किस पार्टी को सेल करी है, तो यहाँ पे आपको इनवॉइस ऑफ आउटपुट सप्लाई जो आपने सेल करी है वहाँ पे आपकी आउटपुट सप्लाई कहलाती है, किस सीरियल नंबर से किस सीरियल नंबर तक आपने सेल करा, टोटल नंबर इनवॉइसिस क्या है, कितने कैंसिल हुए हैं इसके अंदर यहाँ पे आ जाएगा डिटेल, ठीक है। बाकी कुछ और रेंज आपकी चलती है तो यहाँ पे आप दिखा देंगे, अदरवाइज कोई डेबिट नोट इशू करा है तो यहाँ पे जाएगा, कोई डेबिट नोट, कोई डिलीवरी चलान आपने रेज करे हैं, डिलीवरी चलाने के डिटेल यहाँ पे आप फीड कर देंगे, ठीक है। बाकी कोई रिफंड वाउचर है, इनवॉइस इनवर्टर सप्लाई पर अनरजिस्टर्ड पर्सन कोई आ रखा है, ठीक है, या इनवॉइस पर आउटपुट सप्लाई आ रखा है, तो यहाँ पे आप मैनुअली अपने जो है जो भी आपने पूरे मंथ के अंदर आपने कोई इनवॉइस रेज करे हैं पार्टी को, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, जॉब वर्क, डिलीवरी चलान या इनवॉइस पर आउटपुट सप्लाई, तो यहाँ पे आप दिखा देंगे। ओके, तो ये फाइल डन करने के बाद ये आपकी स्टेट्स वाइज होती है कि किस स्टेट के लिए कौन सा अप्लीकेबल है। ओके, ये सब आपको कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना होता है, इसको कॉपी को जो है आपको सेव करना होगा। सेव करने के बाद आप यहाँ आएंगे जीएसटी ऑफलाइन टूल पे, जीएसटी ऑफलाइन टूल पे क्लिक करेंगे आपकी टूल ओपन हो जाएगी। ओपन हो जाने के बाद आपको क्या करना है, यस पे क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करने के बाद ये जो है अभी एक्सट्रैक्ट नहीं हुई है, मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ तो आगे आपको पता लगे कैसे इसको इंस्टॉल करना है। ओके, तो ये आपकी फाइल जो है एक्सट्रैक्ट हो रही है वन बाय वन, कितनी फास्ट तरीके से हो रही है और इसमें जो है बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा है। ये लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन है, ये कुछ टाइम टू टाइम पे गाइस ये क्या होता है जीएसटी ऑफलाइन टूल जो है अपडेटेड होती रहती है। ज्यादा लोग क्या गलती करते हैं इसके अंदर, वो जो है एक ही बार टूल को डाउनलोड कर लेंगे और दो चार महीने बाद जो है इसको अपडेट करते ही नहीं है, दोबारा डाउनलोड करते ही नहीं है, तो उनकी रिटर्न जो है फाइल नहीं हो पाती है गाइस। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल भी ना करें, आप जो है इसको टाइम टू टाइम दोबारा डाउनलोड करते रहें ताकि आपकी जो टूल है वो अपडेट होती रहे और नेक्स्ट फीचर आपको मिलता रहे और इजिली काम जो होता रहे आपका वो अपडेट होता रहे वन बाय वन। और जीएसटी पोर्टल पे आप जीएसटी रिटर्न जो है ऑफलाइन तरीके से बिल्कुल आसान तरीके से आप फाइल करवा पाए, वो भी कम समय में फाइल कर पाए, ओके, इससे आपका टाइम ही सेव होगा गाइस, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं फिनिश इंस्टॉलेशन शॉर्टकट आइकन हैज बीन क्रिएटेड ऑन योर डेस्कटॉप, एक शॉर्टकट आइकन भी हमारे जो है डेस्कटॉप पे क्रिएट हो गया है। तो कहाँ क्रिएट हुआ है मैं देखना चाहूंगा, तो ये रहा वो शॉर्टकट आइकन, यहाँ पे जो है डबल क्लिक करके इसको ऑन करना है आपको, इस पर डबल क्लिक करेंगे आपका ये जो है ऑन हो जाएगा। ओके, जैसे आप देख सकते हैं स्टार्टिंग एप्लीकेशन का आइकन बना हुआ आ रहा है, तो यहाँ पे जो है वो स्टार्ट हो रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं एंड होम टैब जो है आ चुका है इसका, ठीक है, एक टैब ओपन हो चुका है ऐसा। आप देख सकते हैं यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑफलाइन टूल वर्जन 3.1.7 से पहले 3.1.6 अवेलेबल था, तो ये अपडेटेड वर्जन हमारे पास आ चुका है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा आपको जो है अपलोड न्यू इनवॉइस अदर डेटा फॉर रिटर्न, यहाँ पे न्यू पे आप क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं फाइल रिटर्न्स GSTR1 जीएसटी एन ऑफ सप्लायर क्या है, फाइनेंशियल ईयर किस फाइनेंशियल ईयर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप जो है GSTR1 सेलेक्ट कर लेंगे और जो भी जिस भी GSTN के बिहाफ पे आप GSTR1 फाइल करना चाहते हैं उनका GSTN नंबर यहाँ पे आप जो है फीड कर देंगे गाइस। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे GSTN नंबर फीड कर दिया, फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए मैं फाइल कर रहा हूँ, फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए मैं फाइल कर रहा हूँ। अगर आपने पुरानी रिटर्न फाइल नहीं करी है तो यहाँ पे अपना फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, अभी मैं 23-24 कर देता हूँ। टैक्स पीरियड किस टैक्स पीरियड के लिए मैं यहाँ पे फाइल कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने जो फाइल
लिंक सेक्शन सेलेक्ट कर लिया, वो मई मंथ के लिए जीएसटी आर वन फाइल कर रहा हूँ, और यहाँ पे क्या मैं ये हमसे सवाल पूछ रहे क्या आप स्टेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन टैक्स पेयर है, तो यहाँ पे नो कर देता हूँ कि मैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा है, मैंने जो रजिस्ट्रेशन ले रखा है वो रेगुलर ले रखा है। अगर आप रेगुलर टैक्स पेयर है तो यहाँ पे रेगुलर करिएगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आपने रजिस्टर ले रखा है तो यहाँ पे यस करिएगा। क्या ये अगला सवाल मुझसे ये पूछ रहे क्या आप जो है क्वार्टरली फाइलर है? नहीं, जो मैं फाइलिंग करता हूँ वो मंथली फाइल करता हूँ, क्वार्टरली मतलब 3 महीने में एक बार फाइल नहीं करता। 3 महीने में एक बार फाइल करने पे क्या होता है इसकी, पर मंथ आपके 2 महीने जो रहते हैं उस महीने में केवल बी टू बी और क्रेडिट नोट की डिटेल्स जाती है, उस केस में आपका जो है आपका बी टू सी का रिटर्न नहीं जाता, एक्सेशन समरी नहीं जाती, और आपकी नील लिमिटेड सप्लाई की समरी नहीं जाती है। तो यहाँ पे मैं जो है क्वार्टरली फाइलर नहीं हूँ, मंथली फाइलर हूँ, और 5 करोड़ के नीचे हमारी टर्नओवर है तो हम जो है मंथली ऑप्ट जो है मंथली ऑप्ट कर सकते हैं, और ये ऑप्शनल है क्वार्टरली ऑप्ट करना। ओके, अगर 5 करोड़ के ऊपर टर्नओवर है हमारी तो उसके लिए मंथली ऑप्ट करना हमारे लिए कंपलसरी है। तो यहाँ पे मैंने जो है नो क्लिक कर दिया है, मैं क्वार्टरली फाइलर नहीं हूँ तभी मैं मंथली फाइलर हूँ। ओके, और ये हमसे पूछ रहा है क्या आपकी टर्नओवर जो है एग्रीगेट 5 करोड़ के ऊपर ही है पिछले साल, तो हमने जो है यहाँ पे जो है नो कर दिया है कि 5 करोड़ के ऊपर नहीं है तभी हम जो है मंथली फाइल करते हैं। ओके, ताकि इससे हमारी जो है रिकंसिलेशन में आसानी होती है, पर मंथ हमारा टैक्स बन जाता है कितना और हम जो है इजिली पे कर पाते हैं। 3 महीने में टैक्स एक बार में कैलकुलेट करना जो है वो थोड़ा हार्ड हो जाता है जीएसटी पोर्टल पे, और जो है हमें थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। हम पर्टिकुलर जो है मंथ पर्टिकुलर मंथ में जो फाइल करते हैं तो हमें इसमें कोई रिकंसिलेशन में कोई दिक्कत नहीं आती है, हम परमानेंट टैक्स बनता है, परमानेंट टैक्स पे कर देते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैंने आप प्रोसीड पे क्लिक कर दिया, ऐसे आपको करना है यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आप यस पे क्लिक करेंगे, यस पे क्लिक करने के बाद इम्पोर्ट फाइल पे क्लिक करेंगे, और जो इम्पोर्ट एक्सेल, जो एक्सेल आपने रेडी करी थी। ओके गाइस, तो यहाँ पे जो है वो एक्सेल आप जो है यहाँ पे हमने डेटा फीड किया था, ये टेम्पलेट है, इसको आप कॉपी कर लेना और यहाँ पे उस एक्सेल का पाथ सेलेक्ट कर देंगे और इसको जो है अपडेट कर देंगे। आर यू वांट टू सेव डेटा? यस। अगर यहाँ पे आपका कोई एरर क्रिएट होगा तो ये आपको बता दिया कि आपका जो है एरर क्रिएट हो रहा है, उसको आप बाद में सॉल्व करके यहाँ पे आप जो है फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ऑटोमेटिकली डेटा जो है फैच होते जा रहा है, वो चेक कर रहे हैं टूल कि वो डेटा सही है या गलत है। अगर सही हुआ तो एक जेएसएन फाइल देगा, जेएसएन फाइल डाउनलोड करेंगे, उसको जीएसटी पोर्टल पे ऑफलाइन मेथड के थ्रू जाके आप जो है पेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में आपको डिटेल में बता दूंगा जीएसटी आर वन जो है, मैंने एक डिटेल वीडियो पहले से बना रखी है कि जीएसटी आर वन कैसे डाउनलोड फाइल करी जाती है ऑफलाइन। जैसे यहाँ पे वार्निंग दिखा रहा है, यहाँ पे शो हो गया कि मतलब ये कुछ ना कुछ ब्लैंक है और कुछ चलती है। मैं डेमो के लिए आपको बता रहा हूँ कैसे आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना है गाइस। ओके, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हम ऐसी डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियोस बनाते रहते हैं। तो अगर आपको ऐसी वीडियोस जीएसटी इनकम टैक्स आईटीआर के ऊपर देखनी है तो गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना यार, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैला दो ताकि सभी का फायदा हो। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।